हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एजुकेशन। तो चलो इसमें हम बात करेंगे कि जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टाइल्स। तो देखिए, रेप्टाइल्स आर द बोरोइंग कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स वेयरिंग एपिडर्मल स्केल्स। दे आर एक्टोथर्मिक कोल्ड ब्लडेड एंड आर फाउंड मोस्टली इन द वार्मर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दे आर फ्यू इन कोल्डर पार्ट्स। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। दे आर अबाउट 6,000 लिविंग स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स इन द वर्ल्ड। यानी बेसिकली जो रेप्टाइल्स क्रीपिंग और बोरोइंग नेचर्स होते हैं, ओके, एंड कोल्ड ब्लडेड होते हैं जो कि वर्टिब्रेट्स एंड एपिडर्मल स्केल पाई जाती है, एंड दिस आर कोल्ड ब्लडेड, ओके, एंड फाउंड मोस्टली बेसिकली वार्मर पार्ट्स में दिखी जाती है, एंड बहुत ही कम स्पीसीज जो पाई जाती है कोल्डर पार्ट्स में, एंड मोस्टली दीज आर टेरिस्टेरियल यानी स्थल में रहते हैं। एंड अबाउट 6,000 लिविंग स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स पृथ्वी के डिफरेंट हिस्सों में दिखी जाती है। तो चलिए, क्रीपिंग मूवमेंट यानी देखिए, द मूवमेंट विच इज डन थ्रू दिस रेप्टाइल्स एंड द एबडोमिनल पार्ट, ओके, द वेंट्रल पार्ट विच इज कनेक्ट विथ दिस लैंड एंड they will migrate and they will move. So this is known as creeping movement. How they you have often seen about it, and aapne kabhi dekha hoga ki TV mein ya sach mein bhi ki jo alligator yani jo crocodiles kaise ek jagah se dusre jagah par move karte hain, isko kehte hain creeping movement, okay. And chalo dekhte hain kuch naya points ke bare mein. These all are reptiles. देखिए, जो इसका स्किन बहुत ड्राई होता है, जो ड्राइंग में आपने देखे, एंड रफी होता है विदाउट ग्लैंड्स, यानी स्किन में ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं है। एपिडर्मल स्केल पाई जाती है और इसको स्क्यूट्स भी कहते हैं, ठीक है। एपिडर्मल स्केल यानी ये जो बाहर दूर दिख रहा है ना, इसको एपिडर्मल स्केल कहते हैं, ओके। एंड स्नैक एंड लिजर्ड सेट देयर स्केल्स आर स्किन कैस्ट। देखिए, स्किन जो होता है बेसिकली स्नैक्स एंड लिजर्ड इसको रिप्लेस करते हैं, और हर एक साल में एनुअली भी होता है, बाई एनुअली भी होता है, एक साल में दो बार या एक बार भी होता है जो सेट करते हैं और नया जनरेट करते हैं, रीजनरेट करते हैं। दे डू नॉट रेस्पायर बाई मीन्स ऑफ गिल्स, यानी जो जितने सारे रेप्टाइल्स होते हैं जो रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा नहीं करते हैं, तो वो रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा करते हैं, ठीक है। एंड रिब्स हेल्प टू एक्सपैंड एंड कंट्रैक्ट द बॉडी कैविटी। जो बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी को एक्सपैंड एंड कंट्रैक्ट होने के लिए जो रिब्स का मदद होता है, राइट, मेकिंग द लॉन्ग रेस्पिरेशन मोर एफिशिएंट देन इन द एम्फीबियंस। यानी एम्फीबियन से बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है जो लॉन्ग्स का रेस्पिरेशन इन द रेप्टाइल्स। देखिए, स्कॉल इज मोनोकोंडाइल दैट इज विथ सिंगल ऑक्सीपिटल कोंडाइल। देखिए, कोंडाइल क्या होता है सबसे पहले जानते हैं कोंडाइल्स, उसके बाद हम जानेंगे मोनोकोंडाइल क्या होता है। देखिए, जो एक स्कॉल बोन होता है जो रेप्टाइल्स का, और जो कि हमारा वर्टिब्रेट्स का, जो वर्टिब्रल कॉलम का जो पहला बोन एटलस बोन से एक पॉइंट में अगर जुड़ी होती है तो इसको मोनोकोंडाइल कहते हैं, अगर डबल में जुड़ी होती है तो इसको डाइकोंडाइल कहते हैं, सिंपल, ओके। एक्सेप्ट इन स्नैक देर आर टू पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स। यानी स्नैक को छोड़ के बेसिकली अदर रेप्टाइल्स में लिम्स पाई जाती है, और लिम्स में 5-digit क्लाउस वेयरिंग होता है, यानी जो प्रेजेंट होता है 5-digit लाइक्स फिंगर दैट इज प्रेजेंट इन द लिम्स, यानी लिम्स में प्रेजेंट होता है, और ह्यूमन बींग के जैसा ही 5-digit प्रेजेंट होता है जो क्लाउस में, ठीक है। एंड दीज आर, देखिए, इसमें टेट्रापोड्स पेंटाडेक्टाइल टाइप्स, ओके, इसको कहते हैं टेट्रापोड। टेट्रापोड का मतलब भी जानना चाहिए, जिस ऑर्गेनिज्म में फोर लिम्स और हाइंड लिम्स टू पेयर्स प्रेजेंट होता है इसको कहते हैं टेट्रापोड्स। देखिए, रेप्टाइल्स में फोर लिम्ब दो होता है और हाइंड लिम्ब भी दो होता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, इसको टेट्रापोड कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हार्ट कंसिस्ट ऑफ टू एरिकल्स एंड ए पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल। यानी देखिए, इसमें टू एरिकल होता है एंड टू वेंट्रिकल होता है, सो सिंपली तो 4 chambered heart हो गया। रेनल फोटल सिस्टम इज लेस डेवलप्ड, RBC आर नॉन न्यूक्लिएटेड। देखिए, ह्यूमन बींग का जो RBC है वो भी नॉन न्यूक्लिएटेड है, और बट ये जो रेप्टाइल्स का RBC वो न्यूक्लिएटेड है, राइट,
ब्लड में आरबीसी पाई जाती है और आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करता है. ओके एंड किडनीज आर मेटानेफ्रिक यूरिनरी ब्लडर में भी प्रेजेंट, यानी किडनी मेटानेफ्रिक होता है, यूरिनरी ब्लडर में भी प्रेजेंट यानी क्रोकोडाइल और एमनियोटेलिक. देखिए में भी प्रेजेंट यानी कभी तो किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है और किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है. क्रोकोडाइल्स आर एमनियोटेलिक, देखिए क्रोकोडाइल एमनियोटेलिक होते हैं. एमनियोटेलिक यानी क्या होते हैं, जो कि जिस टाइम में वो एग ले करते हैं इसमें एक लेयर्स प्रेजेंट होता है एग में, जिसको एमनियन कहते हैं. तो क्रोकोडाइल में एमनियो प्रेजेंट होता है तो इसलिए हम इसको कहते हैं एमनियोटेलिक. ठीक है. टर्टल्स आर एलिगेटर्स आर यूरियोटेलिक, जैसे कि टर्टल हो गया एंड एलिगेटर वो यूरियोटेलिक होते हैं, दैट इज़ रिलीज यूरिया करते हैं और जिससे बॉडी से बाहर निकलते हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट, इसको यूरिकोटेलिक, जो यूरिया रिलीज करते हैं. ठीक है. एंड लिजर्ड्स एंड स्नेक आर यूरिकोटेलिक होते हैं, जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं इसको हम कहते हैं यूरिकोटेलिक. सो देखिए क्लोका के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. देखिए वेंट्रल पोजीशन में एक क्लोका प्रेजेंट होता है जो कि वेस्ट जो बॉडी का फिकल मैटर और जैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लाइक एज यू नो यूरिक एसिड रिलीज फ्रॉम दिस पार्ट, यानी इस पार्ट से ही जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर रिलीज होता है इसको क्लोका कहते हैं. इसमें एनस नहीं प्रेजेंट होता है. ठीक है. रेप्टाइल्स में एंड इसमें देखेंगे कि बेसिकली 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स आर प्रेजेंट, यानी जो नर्व सिस्टम है क्रैनियल यानी ब्रेन जो स्कॉल में 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व, 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व प्रेजेंट इन द स्कॉल. ओके. ईच ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. देखो ईयर जो है ना सुनने के लिए जो मदद करता है, जो 3 पार्ट्स होता है, जो एक्सटर्नल मिडिल एंड इंटरनल होता है. बट आई थिंक स्नेक डू नॉट पोजेसेस ईयर्स, स्नेक में ईयर्स बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन जितने अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रेप्टाइल्स का तीनों पास प्रेजेंट होता है ईयर का, राइट ना, जो सुनने के लिए मदद करता है. एंड दूसरा पॉइंट देखते हैं, द लेटरल लाइन सिस्टम इज आई थिंक ऑल टुगेदर एब्सेंट, यानी देखिए लेटरल लाइन पीछे जो लाइन होता है बॉडी का एक जो लेटरली पॉइंट में, इसको कहते हैं लेटरल लाइन. बेसिकली लेटरल लाइन एब्सेंट होता है जो रेप्टाइल्स में. एंड टॉर्टोइज फेड ऑलमोस्ट एंटायर ऑन वेजिटेशन, टॉर्टोइज जो होता है ना वो वेजिटेशन को खाता है, लेकिन पेड़ पौधे को खाता है जो पानी में मिलते हैं. सम टॉर्टल्स आर फ्लैश सीटर्स. ओके. ऑल अदर रेप्टाइल्स आर कार्निवरस और इंसेक्टिवरस, लेकिन जितने बाकी सब होते हैं ना कार्निवरस होते हैं, यानी मांस खाते हैं और इंसेक्टिवरस इंसेक्ट को भी खाते हैं. तो देखिए ए टिपिकल क्लोका इज प्रेजेंट, मैंने अभी आपको दिखाया क्लोका क्या होता है, राइट. दे आर मोस्टली ओविफेरस, यानी ओविफेरस का मतलब आपको मैं समझा दूँ, ओविफेरस जिस ऑर्गेनिज्म एग ले करते हैं एग, राइट ना, उसको कहते हैं ओविफेरस. ओके. एंड विविफेरस यानी जो ऑर्गेनिजम्स बच्चा पैदा करते हैं उसको विविफेरस कहते हैं. रेप्टाइल्स ले देखिए माक्रोलेसिथल एग एंड पॉलीलेसिथल एग, सम फॉर्म आर ओविफेरस और विविफेरस, यानी कुछ ओविफेरस भी होते हैं और कुछ विविफेरस भी होते हैं. और जो एग ले करते हैं जो माक्रोलेसिथल एग और पॉलीलेसिथल एग भी होता है. ठीक है. देखिए माक्रोलेसिथल एंड पॉलीलेसिथल के बारे में हम जब पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग के बारे में जब पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे. ओके. सम फॉर्म्स आर ओविफेरस एंड विविफेरस. देखिए एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कोरियन एम्नियन एलेंटोइस एंड योक्सा हेयर प्रेजेंट, यानी जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि कोरियन एम्नियन एलेंटोइस एंड योक्सा प्रेजेंट होता है. ओके. कब? ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. ओके दोस्त, आज इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल to get latest update from Genius Education. Thank you.